236 फीट हाइट है, 236 फीट इसकी हाइट है इस गोपुरम की। वो लास्ट में जो देख रहे हो राज गोपुरम, राज सबसे बड़ा गोपुरम यहाँ का ये है, ये एशिया में नंबर वन बड़ा हाइट गोपुरम है, पूरे एशिया में, पूरे एशिया में इतना बड़ा नहीं है कोई, सबसे बड़ा ये गोपुरम है। वो लास्ट में देख रहे हैं आप, ये भगवान ने ये गोपुर 13 फ्लोर 13 मंजिल 13 फ्लोर है इसके, 13 कलश है ऊपर, है 13 कलश है इसके ऊपर, 13 कलश है आप देखिए ऊपर, 13 कलश लगे इसके। ये पूरा ना ऊपर से ना पूरा ये 50 साल पहले बना दिया था, नीचे बेस मंटे चुप कर दो, ये बेसमेंट 600 years 600 साल पहले इसका बेसमेंट बनाया गया था, उसके बाद 50 साल पहले, जस्ट 50 years बिफोर 50 साल पहले इसको बनाया गया, इसका जो निर्माण किया गया है, लेकिन ये 600 साल पहले से इसका बेसमेंट था। अदर से ऊपर से देखना श्रीलंका, देखना श्रीलंका, हाँ ऊपर से श्रीलंका दिखेगी आपको, जिसको श्रीलंका देखना ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन जो एक बार ऊपर चला गया फिर नीचे नहीं आएगा। प्रभु ये दक्षिण साइड में 4 गोपुर वो बीच में, 1 2 3 4 दक्षिण साइड है 4, देखो दक्षिण साइड में 4 गोपुरम है, एक बीच में नीचे है, एक ये 4 चौथा ये 4 है, ये 4 गोपुर ब्रह्म गोपुरम है, ब्रह्मा 4 फेस ना, 4 मुख है ना, इसलिए 4 साइड है ना, ये जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसी प्रकार यहाँ के 4 गोपुरम हैं, 4 मुखों को संबोधित करते हैं ये ब्रह्मा जी के, ठीक है। ये मेन गोपुरम, ये गोपुरम नीचे है, हम आएंगे पहले, हाँ हम चलते, ठीक है चलिए आप बंद कर दो, हमारा आज भी पूरा आएगा ना, फिर में गेट बंद कर दो, गोविंदा गोविंदा। पहले मंदिर कंबोडिया, मलेशिया में कंबोडिया होना अंगोर वाट, ये प्रधान मंदिर है, अदर से पूजा नहीं है, ये बुद्धिस्ट मेंटेन करते हैं, इधर से सेकंड है हमारा श्रीरंगा मंदिर, श्रीरंगा मंदिर। तो मलेशिया में एक बहुत बड़ा मंदिर है बुद्धिज्म का दुनिया में, दुनिया में पूरे दुनिया में, और दूसरे भाव उसको बुद्ध जो है बुद्ध वो उनको देखते सारा, सेकंड नंबर पे यहाँ का मंदिर है श्रीरंगम, 156 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है। इधर से ना चार ना, इधर से देखो, ईस्ट साइड है, चार पर ईस्ट साइड चार है, ये गोपुरम जी से नई बना दी है, बेस होने है, सेकंड है, दूसरे ये नीम ट्री का पीछे का ये वाइट गोपुर, चार का चार गोपुर है इधर का, इसका एक एक मैं थोड़ा कथा सुनाना चाहूँगा आपको, छोटा सा ये मुझे बैठ दीजिए, विला आयर तो एक बार की घटना यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हरी बोल, ये जो आप व्हाइट गोपुरम देख रहे हैं ये किसी की याद में बनाया गया है, इसको इसको सुनना पहले, एक बार यहाँ पर जब मुसलमान लोग यहाँ पर जब आक्रमण करते थे आकर, तो भगवान को ना छिपा दिया गया यहाँ के पुजारी द्वारा दीवार के अंदर, तो बहुत प्रयास किया उनको मिल नहीं पाया भगवान, बहुत कोशिश किया उनको भगवान नहीं मिले, तो यहाँ पर एक विला अय्यर करके बड़ी सुंदर एक ये युवती थी, इतनी सुंदर थी, तो वो यहाँ का जो मुसलमान जो शासक था उससे अट्रैक्ट हो गया, तो उससे अट्रैक्ट हो गया, उसने उसको पूछा कि मुझे बताओ कि भगवान की विग्रह कहाँ पर है, तो उसने बोला ठीक है मेरे पीछे आ जाओ, तो मुगल शासक को इस गोपुरम के ऊपर लेकर चली गई, वो जो वाइट आप देख रहे हैं ऊपर जाकर बोला कि इधर से उनको भगवान का वो जाने विमान देखा गोल्ड का, वो दिखाया वो देखो, वो जैसे देख रहे पीछे धक्का मार दिया उसने, तो वो मुगल शासन मर गया उसी समय, लेकिन बाद में उस माता को बड़ा दुख लगा कि मैंने तो इस मंदिर के प्रांगण में किसी की हत्या कर दी, उसको बहुत दुख लगा उस माता को, लेकिन उसके बाद फिर क्या किया उसने, बोला मैं भी सुसाइड कर लेती हूँ, उसने जैसे इस गोपुर से छलांग लगाई इस माता जी ने, अविला अय्यर ने तुरंत नीचे कौन आ गए, रंग जी आ गए, हमारे रंगनाथ भगवान आ गए, उनकी रक्षा की, उनको कुछ भी नहीं हुआ। सबेरा लग के नाम है, इसलिए नाम ये गोपुरा सबेरा, व्हाइट कलर, इसलिए उसी की याद उनके कारण ही, बाकी सब गोपुरम कलरफुल मिलेंगे, तो इसीलिए उनके कारण ही ये व्हाइट है, क्योंकि उनका नाम गोरा करके बताया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको व्हाइट रखा, बाकी सारे कलरफुल मिलेंगे आपको, व्हाइट गोपुरम।
ये रामानुज मंदिर पे, ये रामानुजाचार्य मंदिर है, वो का रामानुजाचार्य का स्वयं श्री का आदर रखे है। ये 885 ईयर्स। ये देखिए आप यहाँ पर, ये रामानुजाचार्य जी का मंदिर, अभी हम यहाँ दर्शन करने जाएंगे। ये 885 साल से रामानुजाचार्य जी के जो विग्रह हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, 885 साल से, अभी हम दर्शन करने वहाँ पर जाएंगे सभी लोग। ठीक है, श्री बा रामानुजाचार्य जी की जय।